नमस्कार। जी लाउड इंडिया टीवी में अरुण जी आपका, रविंद्र जी आपका और उमाकांत जी आपका स्वागत है। और दर्शकों, हम लोग एक बहुत दुखद अवसर के ऊपर अभी इकट्ठे हुए हैं और वो दुखद अवसर है हम लोगों के अत्यंत प्रिय मित्र देश के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल जी का निधन और आज ही उनका पंचतत्व में विलीन हो जाना। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा सा याद करें, क्योंकि मंगलेश ने जो लिखा है वो बहुत सार्थक लिखा है। मैं देखता हूं कि अमूर्त नहीं लिखा है उन्होंने। तो मैं सबसे पहले उनके मित्र अरुण कमल जी से बात करूंगा, जो प्रसिद्ध कवि हैं, कि वो मंगलेश जी के बारे में अगर वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या यादें हैं, मंगलेश जी के जाने का क्या असर पड़ा, अगर वो हम शुरुआत करेंगे तो फिर मैं त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा और उमाकांत लखेड़ा जी से आग्रह करूंगा। मंगलेश का निधन एक निजी क्षति तो है ही मेरे लिए, लेकिन हिंदी कविता के बहुत बड़ी क्षति है। मंगलेश एक दुर्लभ कवि थे, ये तो किसी के बारे में भी कहा जा सकता है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है या नहीं था। लेकिन बिल्कुल मंगलेश के बारे में ये बिल्कुल सच है कि ऐसा कोई कवि हिंदी में दूसरा नहीं है, पहले भी बिल्कुल नहीं था। मंगलेश ने अपनी स्मृति, बचपन और वर्तमान को मिलाकर जो कविता का रसायन तैयार किया, जिन तंतुओं से उसने अपनी कविता को बुना, बहुत ही बारीक तंतुओं से, ये मंगलेश के सिवा किसी और ने नहीं किया। उसकी कविताएं बचपन के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने गांव के बारे में, उस घर के बारे में, और फिर वहां से चलकर विभिन्न शहरों से होता हुआ आखिर दिल्ली तक की जो यात्रा उसने की, ये सब कुछ मंगलेश की कविता में है। और साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिरोध है। एक साथ मंगलेश बहुत ही बारीक आवाजों और साथ साथ बहुत घने प्रतिरोध के कवि हैं। निजी क्षति है मेरे लिए, मैं मंगलेश को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनका साथ रहा। पहली बार मैंने उनको 1978 में चंडीगढ़ में देखा और हम लोग करीब 8-10 दिन साथ थे एक कार्यशाला में, जिसमें मंगलेश भी थे, विनोद भारद्वाज थे, राजेश जोशी थे, और हमारे साथ बतौर हमारे शिक्षक त्रिलोचन जी थे, केदारनाथ सिंह थे और क्या विष्णु बात, खरे भी थे। और वहाँ से हमने इतनी लंबी जो संगत, हम मैंने जो भी मैंने लिखा, मैंने एक संगत ही तो की मंगलेश के साथ, मैं उनका संगतकार रहा, बस आप ऐसे समझ सकते हैं। और आज जबकि मूल स्वर नहीं है हमारे बीच में, तो फिर संगतकार का भी कोई अर्थ नहीं। रविंद्र जी, आप ही की पोस्ट से हमको दोनों बार पता चला कि मंगलेश जी की स्थिति कितनी खराब है, और वो दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट भी आप ही की थी जिसमें ये पता चला कि मंगलेश जी 7:10 या 7:20 पर हमारे बीच नहीं रहे। आप पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, मंगलेश जी को कैसे याद करेंगे? देखिए, कोई मंगलेश जी के बारे में कोई एक बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। जैसा कि अरुण कमल जी ने अभी कहा, जो उनके लगभग समवय और कवि और उतने ही महत्वपूर्ण कवि हिंदी के हैं, पर अरुण जी ने भी कहा और हम सब मानते हैं कि हर बड़ा कवि अपने ढंग से अद्वितीय होता है, और मंगलेश जी अपने ढंग से अद्वितीय थे। उनकी कविता में स्मृति मेहता है, पिता है, माँ है, पहाड़ है, लेकिन इन सब के होते हुए जो एक बहुत बड़ी बात है और जो उन्होंने न सिर्फ हिंदी का बल्कि भारतीय भाषाओं का, आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी एक बड़ा कवि बनाती है, कि वे अपने समय के साक्ष को और साथ ही समय के परे
यानी जिसमें एक समकालीनता भी रहती है और एक सार्वजनिकता भी रहती है, उसको रेखांकित करने वाले कवि रहे हैं। जैसे कि आज भी मैंने अपने फेसबुक और फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया है, उनकी एक बड़ी कविता है गुजरात के मृतक का बयान। मेरे ख्याल से ये हिंदी की सार्वकालीन महान कविताओं में से एक होगी। किसी बड़े कवि को याद करने के पहले ये होता है कि हम उसकी कितनी बड़ी कविताएं हमेशा याद रखी जाएंगी। मुक्तिबोध हों, अज्ञेय हों, या दिनकर हों, निराला हों, पंत हों, उसी तरह जो आधुनिक कवि हैं, आज के जो कवि हैं, उसने उनकी कौन सी कविताएं ऐसी हैं जो हिंदी साहित्य में लगभग 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक या 500 वर्षों तक रखी जाएगी। मुझे लगता है कि मंगलेश जी के पास ऐसी कवि कविताएं हैं, जिसमें एक कविता तो गुजरात के मृतक का बयान है, क्योंकि जब जब भारतीय समाज में हिंसा की वृद्धि होगी और जो हो रही है उसके क्या मायने हैं और उसने भारतीय मानस के चित्त को किस तरह प्रस्तावित, किस तरह विकृत किया और कर रही है, उसको रेखांकित करने वाली कविता है। तो ऐसे कवि के कई कविताएं हैं जो हम सब जानते हैं, उनको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। और लगभग बोर्केस ने तो कहा है जो कि हर बड़े कवि के पास अमूमन 5-6 कविताएं ही बड़ी होती हैं जिनको वो बार बार दोहराता है। और ऐसी कविताएं हम 5-6-7-8 कह लीजिए, वो हर कवि, बड़े कवि के पास होती है, और मंगलेश जी के पास भी ऐसी कविताएं हैं। और कुछ विषय ऐसे हैं जैसे स्मृति, माता पिता के अलावा वो ताकत की संरचना के खिलाफ वो लिखने वाले कवि हैं। आप पाएंगे कि उनकी हर तीसरी और चौथी कविता में या 5वीं कविता में किसी ताकत के खिलाफ, किसी अत्याचारी के खिलाफ, किसी बड़े निरंकुश शासन के खिलाफ एक वक्तव्य है। तो वो एक ऐसा है जो सिर्फ भारतीय संदर्भ में ही लागू नहीं होता है, वो वैश्विक संदर्भ में भी लागू होता है। जो मुझे लगता है आप बातचीत को और कई चरण में करेंगे, तो आरंभिक जो चरण है उनका साहित्य वाले के बात में कही, मैं कुछ पत्रकारिता वाले प्रसंग में भी कुछ बातें कहूंगा और अनुवाद के प्रसंग में, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये चक्र पूरा हो जाए तो मैं अगली बार कुछ बातें कहूंगा। उमाकांत जी, आपने भी पहाड़ को याद किया, मंगलेश जी को याद किया, मैं आपकी पोस्ट देख रहा था जी। तो पहाड़ के प्रतिनिधित्व के नाते तो मंगलेश जी का जाना या साहित्य में पहाड़ का प्रतिनिधित्व, अगर मैं कहूँ, शायद गलत शब्द होगा, क्योंकि सिर्फ पहाड़ के नहीं थे, वो तो पूरे देश के थे। आप कैसे, कितना खालीपन महसूस करते हैं? मैं तो आपने, सबसे पहले तो आपको संतोष जी बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महान मनीषी हमारे बीच में जो चले गए और हम उनके अंत्येष्टि से लौट करके आए। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर पहुंचा, हालांकि 12-2 बजे तक हम वहां थे। देखिए कि मंगलेश जी को एक किसी सीमा रेखा में बांधना और उनको ये कहना कि वो केवल कवि थे, ये मुझे लग रहा है कि बड़ा अन्याय होगा उनके साथ में। वो उनकी जो कविताएं थी उसमें एक बड़ा वैश्विक दर्शन के दिखलाई पड़ता है, विश्व दृष्टि, वैश्विक दर्शन। और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में उनकी कविताओं को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के वहाँ पढ़ी जाती है उनकी कविताएं, उनकी कविताएं पॉपुलर है। और वो खुद भी, उनकी जो समग्र वैश्विक दृष्टि थी, तो वो बाहर के जो विदेशी मुल्कों की भाषाओं में लिखी कविताओं को वो अनुवाद करते थे। और एक खिड़की उन्होंने, एक जिसको कहते हैं कि सेतु का काम किया हिंदी कविता में, कि बाहर की कविताओं में क्या लिखा जा रहा है, दुनिया की कविताएं किस तरह से हमारी हिंदी भाषा के साथ उनका जो ठौर है, उनका जो सामंजस्य है, वो कैसे बिठाया जाए। तो एक तो ये चीज, दूसरा ये कि एक आलोचक के रूप में वो निश्चित रूप से, वो गद्य लेखक नहीं थे, वो एक कवि थे और कवि हृदय थे वो। और ये उन्होंने एक नई नई विधा दी, नया नाम दिया, नया आयाम दिया, और जिसको कहते हैं कि हिंदी कविता को उन्होंने प्रकृति से जोड़ा, संवेदनाओं से जोड़ा और सांप्रदायिकता के प्रखर विरोध से जोड़ा उन्होंने। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण ये भी लगा कि वो जो सोचते थे वही लिखते थे, और वो किसी को खुश करने के लिए
या किसी की दरबारी कविताएं नहीं लिखते थे, और इतने बेहतरीन, निजी तौर पर इतने बेहतरीन और विनम्र संवेदनशील इंसान थे कि जो मैं उनको 30 साल 32 साल से निजी तौर पर जानता था, और जिसको कहते हैं कि संपादन, एक संपादक के रूप में उनका जो जो उनके अंदर जो शैली थी, जिस तरह से वो शब्दों का को पिरोते थे अपने कॉपी में। मेरा अपना अनुभव है कि मैं एक बार उत्तराखंड गया और उत्तराखंड के गांवों की दशा के बारे में मैंने लिखा, तो मुझे एक जनसत्ता का एक कॉलम था वो गांवों को लेकर के, तो मैंने मुझे लगा, मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, मैं तो दूसरे अखबार में काम करता था, मैंने कहा ये तो साहित्य रिलेटेड और प्रकृति रिलेटेड है, तो मैं मंगलेश जी को दे के आ जाता हूँ। तो मैंने वो लिखा अपनी भाषा में, और मुझे बड़ा मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस तरह का संपादन उस मेरे आलेख का था, और उनको मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मेरे पास क्लिपिंग भी रखी हुई है मैंने, और मैं कल्पना से परे था वो संपादन जो था, उसमें हेडिंग जो शीर्षक था उसमें फोटो विन्यास था, और एक उन्होंने एक स्केच बनवाया था, तो उनकी ये बताता था कि जिसके हाथ से आपकी कॉपी गुजरी है उसकी दृष्टि क्या है, और किस तरह से बिल्कुल उन्होंने उसको बिल्कुल एक माला की तरह मेरे लिखे, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति के लेखन को उन्होंने एक ढंग से ऐसे पिरोया कि मैं आज भी अभिभूत हूँ, उसको देखता रहता हूँ, उनके संपादन में एक दो बार उन्होंने मेरे को छापा, और उसके बाद उनकी दूसरी दृष्टि होती थी कि वो जहां भी जाते थे वो फोन करके बोलते थे, उमाकांत एक काम करना यार, आपसे काम है, मेरे क्या यार इस पे लिख दो यार, अभी चाहिए, तुम ही फास्ट लिख सकते हो। तो 2-3 घंटे में उन्होंने मुझसे कोई पॉलिटिकल कमेंट्री मांगी थी, कोई टिप्पणी थी, कर आप लिख दो, वो पब्लिक एजेंडा पत्रिका थी, उसमें लिखते वो मेरे से लिखवाते थे रेगुलरली। तो मेरा ये कहने का है कि वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, प्रकृति पर हर चीज में प्रकृति झलकती थी, और क्योंकि उनका ताल्लुक उत्तराखंड के पहाड़ी जनजीवन से, जहां वो पले बड़े गांव में, खेत में, खलियान में, गाय बकरी चराना, घास, महिलाएं घास काट के आ रही है, गाय बकरियां अपने घरों को आ रही हैं शाम को, तो उससे वो एक कविता निकालते थे, कविता जन्म लेती थी मंगलेश जी के दिलो दिमाग में। और दूसरा ये था कि जो वो सक्रिय पत्रकारिता में, तो खैर वो रहते ही थे, सक्रिय पत्रकारिता का जो उनका जीवन था, उसके अलावा उनका जो ट्रांसलेशन था, जो उनका अनुवाद था, उसका भी मैंने एक अनुभव किया। मैं 5-6 साल पहले, मैंने एक कविता थी जिसका मैंने कहीं इस्तेमाल करना था, तो मैंने ट्रांसलेशन किया, तो वो मेरे बस का तो था नहीं, क्योंकि वो जो विन्यास था वो मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैंने मंगलेश जी को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये चीज थी, तो उन्होंने कहा जरा मेरे को भेजो तो मेल करके, तो मैंने भेजा, उन्होंने 2 दिन बाद इतना बेहतरीन किया, मैं आपको संतोष जी मैं आपको भेजूंगा, कि मतलब उन्होंने जीवंतता, किसी विदेशी व्यक्ति की विदेशी भाषा में लिखी हुई कविता को क्या बात, ऐसी जीवंतता दी कि जैसे मौलिक, जैसे उन्होंने हमने खुद लिखी मिल करके बैठ करके लिखी हो। तो ये प्रतिभा, जैसे आदरणीय अरुण कमल जी ने कहा कि एक विलक्षण प्रतिभा के वो धनी थे, और हम सब लोगों का जो उनको जानते थे, उनको प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे, इतनी अपूर्णीय क्षति है, इतना महान कवि जिनकी कविताओं को आने वाले वर्षों में, वर्षों वर्षों तक वो उनकी जिंदा दिल जिंदा दिली की जो कविताएं हैं, जो उसमें मौलिकता है, उनको याद किया जाता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगले चरण में आप और चीजें हम शामिल करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए फ्लोर ओपन कर रहा हूँ। संतोष जी आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। अरुण कमल जी और रविंद जी और उमाकांत जी, एक मेरी याद है, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ से था, और मेरी उनकी दोस्ती लखनऊ में हुई। हमारे घर में वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो मैंने उनको घर पे खाने के लिए बुलाया। मुझे लगा किन दो मित्रों को बुलाऊं, तो मैंने उसमें एक मंगलेश जी को कहा और एक राजेश शर्मा जी को कहा। राजेश शर्मा जी भी कवि थे और सूचना विभाग से संबंधित थे लखनऊ में, और मंगलेश जी तो थे। मुझे ये लगा कि वीपी सिंह आएंगे तो थोड़ी आपस में साहित्य की बातचीत होनी चाहिए बजाय राजनीति की बात। वीपी सिंह खुली जीप चलाते हुए आए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं था। ये दोनों लोग हतप्रभ थे,
ऐसे कैसे विश्वनाथ प्रताप जी यहाँ आ गए, वीपी सिंह आ गए, और आप सोचिए कि 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक मंगलेश जी, राजेश जी और वीपी सिंह आपस में साहित्य की बातचीत करते रहे और कविताएं एक दूसरे को सुनाते रहे। तभी मुझे पहली बार पता चला कि वीपी सिंह कविताएं भी लिखते हैं। ये संयोग की बात है कि राजेश शर्मा बहुत भावुक थे, उन्होंने 2-3 साल के बाद जहाँ रहते थे वहाँ 16वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली, और मंगलेश जी को बहुत मलाल था। अभी थोड़े दिन मेरी एक किताब आ रही है, वीपी सिंह चंद्रशेखर और वीपी सिंह चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, उसमें इस घटना का जिक्र है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि इस घटना का जिक्र है उसमें, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा और इस पूरी घटना का वर्णन मैं करूंगा जब उस किताब का विमोचन होगा। रविन जी, हाँ मंगलेश जी मंगलेश जी मंगलेश जी को लेकर के आपने जो पत्रकारिता की बात की, मैं उसके ऊपर अगर ठीक समझे तो थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिले, जयशंकर पहले व्यक्ति थे और उसके बाद तो मिलते ही गए, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से मंगलेश जी ने उन्हें गढ़ा, उन्हें आगे बढ़ाया। और वो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है जो अपने जैसे लोगों को पैदा करे, खड़ा करने की कोशिश करे, उसे तराशे, उसे ये बताए कि उसमें ये गुण है। तो मंगलेश जी इस मसले में अद्भुत थे। अब मुझे उनकी उस विलक्षणता का इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि मेरे वो जैसे अरुण कमल जी कह रहे हैं कि वो उनके सह यात्री थे, सहकर्मी थे, सह अनुयायी थे, पर मैं उनकी पत्रकारिता को इसलिए बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं इतना उनसे घुला मिला था कि मैं उनकी क्या तारीफ करूं। पर रविन जी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जनसत्ता में जो कमाल किया है मंगलेश जी ने, वो आपने अपनी आंखों से देखा है। जी, मैं जनसत्ता में, रविवारी जनसत्ता में, जनसत्ता में और रविवारी जनसत्ता में जिसका मैं अंग था और मंगलेश जी का सहकर्मी था, तो बहुत सारी चीजें, उनकी प्रतिभाएं, उनका व्यक्तित्व, उनका कौशल, सब मैंने देखा है। मंगलेश जी जो अभी जैसे कि लखेड़ा जी ने कहा ना कि उनकी रचना का, मैं कहूंगा कि वे एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे इस मामले में, क्या और बात, गढ़ते सही, थे, जो आपने आपने जिस शब्द का प्रयोग किया वो गढ़ते थे। कई पत्रकारों को गढ़ा है, लेकिन वो गढ़ते कैसे थे, वो किसी की कॉपी में बहुत ही मामूली फेरबदल करते थे, ऊपर का नीचे और पारा थोड़ा बदलते थे, वो किसी को यह एहसास नहीं कराते थे नया से नए व्यक्ति को भी कि उसने जो लिखा है वो कुछ अपर्याप्त है या शैली के स्तर पर या भाषा के स्तर पर कमजोर है। वो सिर्फ उसको बदल करके और जब प्रकाशित कर देते थे उसको बदल के, वो अपने आप जिस व्यक्ति की रचना होती थी जब पढ़ने के बाद उसको लगता था कि अरे ये वाला पहलू तो छूट गया था, तो ये इस तरीके से तराशते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे या वो ये नहीं कहते थे कि ऐसे कॉपी लिखी जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो, हम जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो अमूमन बड़े संपादकों की बात करते हैं और ये आवश्यक भी है, लेकिन कॉपी एडिटिंग भी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा अवयव है। और मैं निजी रूप से कहूंगा कि मंगलेश डबराल जैसा कॉपी एडिटर समकालीन हिंदी में कोई दूसरा नहीं हुआ पिछले 35-40 साल में, और कई, जयशंकर गुप्त का आपने नाम लिया, कई ऐसे पत्रकारों के नाम लिए जा सकते हैं, और सिर्फ पत्रकारों के नहीं, कवियों के भी, जो जिनकी कविताएं मंगलेश जी ने देखी, सुधारी। कई जो युवा कवि बाद में उभरे, अब तो वरिष्ठ हो चुके हैं वो कवि और कवित्रियां, वो अपनी कविताएं मंगलेश जी से ही पढ़वाते थे, दिखवाते थे, कुछ उनसे लेते थे। तो वो सिर्फ पत्रकारिता में ही नहीं बल्कि कविता में भी बहुत बड़े कॉपी राइटर थे, कॉपी एडिटर थे। तो ये जो उनका कॉपी एडिटिंग था जिसकी हिंदी में तो अभी भयानक कमी हो चुकी है, और अब डेस्क पर वैसे लोग नहीं है, जो डेस्क की पत्रकारिता है अमूमन, अब तो खैर पत्रकारिता हिंदी की तो अब आप खुद जानते हैं क्या स्थिति में है, रिपोर्टिंग में भी है, लेकिन डेस्क की बिल्कुल पत्रकारिता बिल्कुल का क्षरण तो बहुत पहले से हो चुका है। और मंगलेश डबराल आखिरी कॉपी एडिटर मुझे लगता है हिंदी के थे, इतने बड़े कॉपीर थे, इतने अच्छे से संवारते थे वो, कुछ मामूली ऊपर तो ये थी उनमें, और वो किसी भी लेखक को, चाहे वो कम उम्र का हो, छोटा सा हो, उसको किसी तरह का इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं देते कि अरे वो सबको बराबर करते थे। तो ये उनकी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा था। और अभी जनसत्ता का था, आपने जैसे अमृत प्रभात का नाम लिया,
वो प्रजा नीति में लंबे जो प्रजा नीति थी जॉर्ज फर्नांडिस बिल्कुल उसमें लंबे समय बिल्कुल तक रहे, हिंदी पेट्रियट में रहे, और हिंदी पेट्रियट में जगदीश स्वामीनाथन एक बहुत बड़े कलाकार हुए, जे स्वामीनाथन जब वहाँ थे शायद संपादक के पद पर थे या एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, तो स्वामीनाथन जी वहाँ एक कॉलम लिखते थे जासूसी उपन्यास, वो जासूसी उपन्यास बोलकर लिखवाते थे स्वामीनाथन, और डिक्टेशन लेते थे मंगलेश जी, और वो ऐसा जैसा कि मंगलेश जी ने मुझे सुनाया, कई किस्से उन्होंने पत्रकारिता के सुनाए मुझे हैं, एक ही बता रहा हूं कि वो स्वामीनाथन आते और कहां कहां मंगलेश हमने पिछली बार क्या लिखा है, तो मंगलेश जी पूरा पढ़ के सुनाते थे कि आपने क्या लिखा, भूल जाते थे स्वामीनाथन की जासूसी उपन्यास, फिर पढ़ के सुना तो फिर जगदीश स्वामीनाथन फिर वो डिक्टेट कराते थे, और अगले हफ्ते यही सिलसिला चलता था, तो ये सिप्ता लगभग सालों चलता रहा, और स्वामीनाथन का उपन्यास जासूसी उपन्यास छप कर तो शायद नहीं आया पर कहीं पेट्रियट के धरोहर में होगा, तो ऐसे कई नायाब चीजें मंगलेश जी ने की, पब्लिक एजेंडा में किया उन्होंने, उसके वो लंबे समय तक रहे, सहारा समय में उन्होंने कुछ समय काम किया वहां भी, उसको भी सवारा अपने तरीके से, तो ये उनकी हिंदी पत्रकारिता में मुझे लगता है कि अभी जो पीढ़ी लगभग 60 साल की उम्र के है थोड़ा इधर उधर, और जो कभी जिसने जो कभी मंगलेश जी के सानिध्य में रहा और जो उनकी कम उम्र का रहा, वो उनकी प्रतिभा को उनके अवदान को बेहतर ढंग से समझता है, कई बार हम ये नहीं ठीक से समझ पाते हैं कि हम पत्रकार के नाम पर हम किस किस की याद करें, हम कुछ लोगों को याद करते हैं लेकिन जो नींव की पत्थर होते हैं उनको बहुत कम याद किया जाता है, मंगलेश जी अन्य चीजों के अलावा नींव के पत्थर भी थे, और इस लिहाज से भी एक हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखा गया जो कभी न कभी लिखा ही जाएगा, तो उनको याद किया जाएगा। उमाकांत जी, एक एक अजीब सी चीज होती है कि आदमी को थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए, उसकी तारीफ हो, तो वो उसके सर के ऊपर नाचती है, पर जब से मैंने मंगलेश जी को देखा सारी दुनिया में उनकी तारीफ होती है, बहुत जगह वो पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, बुलाए जाते थे, मंगलेश जी के ऊपर अपने उस प्रतिभा की सनक या उसका अभिमान 1% भी कभी देखने को नहीं मिला, और जितने अच्छे व्यक्ति थे शायद इसीलिए वो बहुत अच्छे संपादक या पत्रकार या फिर कवि भी थे, आपको उनकी सादगी को देख करके कैसा लगता था? मंगलेश अगर साइड से निकल जाएं तो कोई ये अंदाज नहीं लगा सकता था कि मंगलेश डबराल है, दी मंगलेश डबराल है। जी देखिए, बहुत अच्छा उनके व्यक्तित्व को लेकर के आपने सवाल पूछा, और देखिए कि हमारा कई बार हमारी मेरी खुलकर उनके घर पे भी मैं जाता था यदा कदा जनसत्ता अपार्टमेंट में, और हमारी कई घंटों गपशप, दो एक बार तो दो तीन बार चाय बनवाए उन्होंने अपनी श्रीमती जी को कह करके, यार दोबारा मजा नहीं आया जरा उमाकांत जी से गप्पे हो रही है, तो उनसे खूब जब बातें होती थी, मतलब हमारी पहाड़ के बारे में भी बातें होती थी और पत्रकारिता के हालात के बारे में भी बातें होती थी, मैं बिहार में मेरी पोस्टिंग थी तो बिहार के बारे में भी बातें करते थे मेरे से, लेकिन मैंने जो रूप देखा उनका कि, और मंगलेश जी को देख करके मैंने इस रास्ते पर पहुंचा हूं या इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप में जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष में अगर फल लदे हुए होते हैं तो वो झुका रहता है, तो वो ये जो टिप्पणी है या ये जो कहावत है ये मंगलेश जी पर बहुत सटीक बैठती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि मंगलेश जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति जिसको कह सकते हैं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, और किसी भी को भी मदद करने या किसी को नौकरी से रिलेटेड कोई बात है कोई चीज है कोई, तो वो हमेशा एकदम तरीका समझाते थे कि यार तुम ऐसा करो उनको वहां भेज दो, लेकिन और वो मेरा नाम मत लेना क्योंकि मेरा नाम लेकर के गड़बड़ हो जाएगा, वो कहेगा कि मंगलेश जी कोई अपना आदमी वहां प्लान कर रहे हैं, तो इस वो उनको पता होता था इस चीजों को कैसे हैंडल चीजों को करने थे करना चाहिए। दूसरा था कि उनकी जो एक फिलोसफर टाइप की वो जो बातें करते थे, बहुत प्यारी बातें वो करते थे, और उनका जो लेखन था जो मैं प्रभावित हुआ उनके लेखन से कि वो बहुत गहराई उस लेखन में होती थी, और उनकी कविताओं में जैसे मैंने शुरुआत के प्रश्न में कहा कि एक फिलोसफर थे वो, ये कवि और फिलोसफर थे वो, और कविता को फिलोसफी और फिलोसफी में कविता, ये कैसे इसको गूथा जाए पिरोया जाए, एक इस दो लाइन से उनकी फिलोसफी का पता लगता है कि जो उनकी कविता थी कि कहीं मुझे जाना था,
तो जैसे कोई हम व्यक्ति खुजलाते हैं कहीं पर कि अरे यार मुझे कहीं जाना था, कहाँ जाना होगा मुझे, तो हम एक अपने जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि आज मुझे पता नहीं क्या करना था, कहीं जाना था। तो उन्होंने ये जो भ्रम है अपने दर्शन के जरिए, फिलोसफी के जरिए, उसको दो पंक्तियों में उस दर्शन को उन्होंने पिरोया कविता के जरिए कि कहीं मुझे जाना था, कहीं मुझे जाना था नहीं गया, कुछ मुझे करना था नहीं किया, जिसका इंतजार था मुझको वह यहाँ नहीं आया, खुशी का एक गीत मुझे गाना था गाया नहीं गया, यह सब नहीं हुआ तो लंबी तान मुझे सोना था, सोया नहीं गया, यह सोच सोच कर कितना सुख मिलता है, ना वह जगह कहीं है, ना वह काम है, ना इंतजार है, ना वह गीत है, और नींद भी कहीं नहीं है। तो अब ये बताइए कि कितनी इसमें फिलोसफी है, इतने हमारी जो झंझावत है, हमारी मनस्थिति की जो झंझावत है उसके बारे में है, हम जो ये जो दौड़ है, ये जो भाग है, हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है, हमारे लिए अपनी कविता के लिए वक्त नहीं है, अपने परिवार के लिए वक्त नहीं है, और हम अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। तो इस मनस्थिति को, इस जिसको कहते हैं आप शहर में भी, गांव में इस तरह के भ्रम कम होते हैं लेकिन शहरी जीवन में इस तरह के भ्रम बहुत होते हैं, तो क्योंकि हमारे पास कई तरह के मोर्चों पर काम होते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, और हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो देखिए, एक दर्शन शास्त्री ही इस तरह की कविता को गढ़ सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल जी अरुण कमल जी, एक आपसे सवाल ये पूछना है, चूंकि आप उनके बहुत परम मित्र रहे हैं। पाउली फ्रेरे दुनिया में कम्युनिकेशन के मास्टर, संप्रेषण के मास्टर माने जाते हैं, सर्वाधिकारी व्यक्ति। उन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी को ग से गधा बताएंगे तो बच्चे बच्चे को उससे बेहतर है ग से गांव बताना। मंगलेश जी की कई कविताओं का अगर मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कविता लिखी है जिसमें कि मैं वर्णमाला कलम, हाँ ये सब, तो वर्णमाला मैं इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे उनकी दृष्टि क्या रही होगी, उनके अंदर का कौन सा वो अंतस में एक जिसको कहते हैं एक उत्साह रहा होगा या गुस्सा रहा होगा, जो उन्होंने ऐसी कविता हमारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखकर, मुझे पता नहीं क्या स्थिति को देखकर, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा तो बक मतलब किसी भी अक्षर से कोई निरर्थक उपमा ही निकलती है। तो आप अगर जानते हैं तो बताइए। उसके साथ साथ एक दो बात और मैं कहना चाहता जी हूँ। प्लीज 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 मंगलेश का जो मन था और उसका जो कवि मन था, वो भारतीय तो था ही, वो एक साथ, जैसा लखेरा जी ने कहा, वो वैश्विक भी था। और आधुनिक भारतीय मन की विडंबनाओं को, उसके अंतर्विरोधों को, उसके अनुभवों को मंगलेश ने बहुत तीव्रता से अपनी कविता में और बहुत सांद्रता से व्यक्त किया। दूसरी बात यह है मंगलेश की कविता के बारे में कि शायद अज्ञेय के बाद वो पहले हिंदी कवि हैं जिनको भारत के बाहर भी बहुत जाना सम्मान जाए, मिला, क्या बात और है। संभवतः जर्मनी के एक शहर में उनकी कविता, एक पूरी कविता शहर में लगाई गई, जिसके लिए खास तौर से वो गए। मंगलेश ने उन यात्राओं पर अपने संस्मरण भी लिखे हैं जो दो किताबों में हैं, वो दुर्लभ संस्मरण है हिंदी के। मंगलेश ने आलोचना भी लिखी, एक लेखक की रोटी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। वो अकादमिक ढंग के आलोचक नहीं थे, लेकिन जो इतना बड़ा कवि जो सोचता है, जो महसूस करता है कविता के बारे में और कविता की आंतरिक बनावट के बारे में, मंगलेश ने उस पर विचार किया। मंगलेश जिस कविता का जिक्र आप कर रहे हैं, वर्णमाला का, जी जी वो कविता जी केवल वर्णमाला के बारे में नहीं है। जी वो कविता वास्तव में इस पूरे समाज की और समय की बहुत तीखी आलोचना है। जहां भक्त से भय अगर हो,
कि कितना भयानक समय है और हास्य हत्या और हिंसा। क्या बात, मंगलेश ने हमारे समय की हिंसा को सामने रखा, उसका प्रबल विरोध किया। मंगलेश उन थोड़े से कवियों में थे हिंदी के, या हैं मैं कहूंगा। एक उनकी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मैं मुझको लगता है कि मंगलेश एक ऐसा कवि है जिसका नंबर हमेशा हमेशा रहेगा, और जब कभी आप उस नंबर को डायल करेंगे तो उधर से मंगलेश की आवाज आएगी। तो मंगलेश एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हर समय के लिए लिखा, लेकिन अपने समय की बहुत तीखी आलोचना की। वो मार्क्सवादी थे, वो एक बहुत गहरे सांस्कृतिक कर्मी थे, संप्रदायवाद का विरोध, और जो आर्थिक गैर बराबरी हिंसा है उसका विरोध मंगलेश ने लगातार किया अपनी कविताओं में भी। और कई बार लोग, कुछ लोगों को लगता है, चूंकि मंगलेश कहीं से भी जोर से बोलने वाले कवि नहीं है, लेकिन उनकी कविताओं के स्वर में जो तलखी है और जो जिस तरह से वो आक्रमण करते हैं इस पूरी क्रूरता पर, इस व्यवस्था की क्रूरता पर, वो चकित कर देता है। जब आप कविता खत्म करते हैं, जैसे वही वर्णमाला वाली जो कविता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी कविताएं मंगलेश के पास, ये शिक्षा व्यवस्था का केवल सवाल नहीं है, ये हमारी संपूर्ण व्यवस्था का, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था का सवाल है, और मंगलेश ने ये किया। आगे मैं कुछ और, जो जिस तरह से वो कविता पढ़ते थे और जो हम लोगों ने कई शामें एक साथ बिताई, मैं उसके बारे में आगे कहूँगा। त्रिपाठी जी, किताब किताब का नाम है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जो पॉल रिफरेंट लिखी है, और अभी जो अरुण, हाँ, जो अरुण कमल जी बता रहे हैं, तो मुझे पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड मेरे दिमाग में चल रही थी, क्योंकि उस पॉलो फ्रेरे के दिमाग में भी वही गुस्सा था इस सोसाइटी को लेकर के, कि सोसाइटी आदमी को कुंद और मंद बुद्धि क्यों बनाती है, सिस्टम। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको कुछ उनके साथ बिताए हुए लम्हे याद हैं, क्योंकि जिनको अभी अरुण कमल जी ने इशारा किया कि वो उनके बारे में कहना चाहेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा उन लम्हों को याद करें जो आपको बहुत ज्यादा याद हों उनके साथ बिताए हुए। देखिए, स्मृतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको तो कहूँ तो वो कई दिन लग जाएंगे, पर एक छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं। जनसत्ता अपार्टमेंट में जहाँ मंगलेश जी रहते थे, अभी भी थे कहना मुश्किल लग रहा है मुझे, मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक ही ब्लॉक में रहते रहे हैं। मैं ई ब्लॉक में E102 में हूँ, मंगलेश जी E204 में, और उसके ऊपर मनोहर नायक ने रहते हैं, जो हिंदी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब कोरोना का लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो यहाँ हम लोग उसके पहले भी हर शनिवार रविवार को मिलते थे, हम तीन आदमी मुख्य रूप से, कभी कभी दूसरे लोग भी आते थे, पर ये तीन अस्थाई रूप से थे, मंगलेश जी, मैं और मनोहर नायक। तो जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उसने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि यार रोज ही मिलते हैं, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है और अकेले बैठे बैठे जो बहुत बोरियत हो जाती है। तो उसके बाद लगभग हम लोग हर रोज 9 से 10, 10:15 लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा रोज ही मिलते रहे। कभी कभी एक आध दिन कोई नहीं आया, वो अलग बात है, या कहीं किसी को चला जाना हुआ, लेकिन ये लगभग अबाध रूप से चलता रहा। दीपावली के ठीक पहले ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो मनोहर नायक थोड़े अस्वस्थ हो गए, तो उनका आना रुक गया, मतलब 4-5 दिन रुक गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये हो गया, मतलब मुझे शुगर का प्रॉब्लम अचानक बढ़ गया, तो मैं नहीं गया उनके यहाँ, 5-6 दिन नहीं गया। लेकिन बात उनसे रोज फोन पर होती रहती थी, क्या है, कैसी तबीयत है, ये सब है। तो वो मुझे लगता है कि ये जो पिछले 7-8 महीने से जो रोज हम लोगों की बातचीत होती है, जब मैं उसको लिखूंगा, मुझे ख्याल है कि मैं लिखूंगा, तो अपने आप में वो एक पूरी किताब का विषय है, क्योंकि वो समकालीन राजनीति, समकालीन कविता, मंगलेश जी की अपनी कविताएं, ये सब को लेकर के उसमें बड़ी बातें हुआ करती थी, और एक घंटा एक ऐसा रसमय आयोजन हुआ करता था जो
जिसमें कई तरह के विमर्श हुआ करते थे, तो वो अब छूट गया हम लोगों का, हमेशा के लिए छूट गया मेरा, तो ये एक बहुत बड़ी रिक्ति है मेरे भीतर। और जनसत्ता में उनके साथ मैंने एक लंबा समय गुजारा, उसके अलग अनुभव हैं। साहित्य में अक्सर कई कार्यक्रमों में जब वो जनसत्ता अपार्टमेंट में नहीं भी रहते थे, यहाँ रहने तो लगभग 10-12 साल पहले आए थे, तभी उनसे लगा इतनी स्मृतियां हैं कि अभी तो सब गड़मड़ हो रही है। अभी तो सबसे ताजा जो बात है वो पिछले 8 महीने का, वो मैंने आपको बताया कि जब हम 3 आदमी रोज मिलते थे और कई बातें करते थे, वो कई बार बैठे बैठे हम लोगों की बातचीत में वो अनुवाद कर दिया करते थे जो अभी कहा वो। जैसे के सचिदानंदन की 2 कविताओं का से एक बार हुआ कि उनको भेजना था, तो 2 कविताएं उन्होंने बैठे बैठे उसी 1 घंटे के अंतराल में किसी को कर दी और भेज भी दी। हम लोग बात भी करते रहे और चाय पीते रहे। तो ये सब ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब सब अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में बहुत सारी अशांति फैली हुई है और स्मृतियों का इतना बड़ा अंबार है मेरे मन में, क्योंकि लगभग 35-36 वर्षों का सानिध्य था और यहाँ तो एक पड़ोसी के नाते भी हम लगातार मिलते रहे, तो बहुत सी बातें हैं। उन सबके बारे में फिलहाल इतना ही कहूंगा। उमाकांत जी, आपको आपको मंगलेश जी से पहली मुलाकात याद है क्या? जी, पहली मुलाकात याद है। मैं दिल्ली आया था 88 में और जनसत्ता में हम शायद ड्यूजे का कोई इलेक्शन हो रहा था, 89-90 की बात है, और ड्यूजे के इलेक्शन में मैंने नाम तो उनका बहुत पहले से सुना था, क्योंकि उनकी जो जिनके साथ वो पले पड़े हैं, सुभाष धुलिया हो गए, तो उनसे एक पारिवारिक मेरा संबंध है, रिश्तेदारी है। तो वहां पर मैं उनकी चर्चा होती थी, मंगलेश मंगलेश, तो एक बार उनकी फोटो सुभाष भाई सुभाष धुलिया जी की मां ने उनकी फोटो दिखाई, तो मैंने देखा कि जो दबला पुतला सा व्यक्ति है, मैंने कहा यार जितना ये नाम सुबह से शाम तक 10 बार मंगलेश डबराल का नाम लेते हैं, तो मंगलेश डबराल को तो बहुत मोटा ताजा आदमी होना चाहिए था उस हिसाब से, रविंद्र त्रिपाठी जी की थोड़ा पर्सनलिटी की तरह। तो देखा कि बड़ा सिंपल सा इकरा बदन की फोटो, पासपोर्ट साइज, नाम से भी शरीर का अंदाजा लगाते हैं लोग। नहीं, मतलब यह है कि थोड़ा सा विराट व्यक्तित्व जो हमारे मित्र त्रिपाठी जी का है, तो मैं ऐसा लगता था जब मैंने देखा कि बड़ा सिंपल सा पतला सा चेहरा, मुझे लग रहा है कि ये 83-84 की बात होगी, तब तो मैं जर्नलिज्म में भी नहीं आया था। मैं पढ़ता जरूर था उनकी कुछ कविताएं उताएं, कहीं कहीं मैंने पढ़ी है उनकी कविताएं, जैसे अखबार में छप गई कहीं तो वो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं अखबार पढ़ने का बचपन से शौक था, तो कहीं उनकी कविता आती थी तो पढ़ लेता था। लेकिन उनको फोटो में मैंने पासपोर्ट साइज फोटो में देखा। उसके बाद मैं दिल्ली आया, जनसत्ता में आया, तो जनसत्ता में हम उनके पास बैठे तो मेरे को बोले, तो मैंने उनका अच्छा 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 तो कैसे आ, तो मेरे को बिठाया उन्होंने और उनकी जो टेबल थी जनसत्ता में, मुझे मैंने देख पाया तो वहाँ बड़ी अव्यवस्थित अंबार लगा रहता था, वहाँ लेखों का अंबार लगा हुआ है, इधर 3-4 लेख उल्टे पड़े हुए हैं, इधर 3-4 किताबों का ढेर यहाँ लगा हुआ है समीक्षा के लिए, क्योंकि हर आदमी को बड़ा इजीली अप्रोच करना बड़ा सरल था मंगलेश जी से, कि वो हर व्यक्ति के साथ बड़े सरल ढंग से पेश आते थे, और किसी ने कोई पुस्तक लिखी किसी नए लेखक ने भी तो वो जाके मंगलेश जी को दिया था, तो मंगलेश जी का बड़ा स्टाइल था, बड़ा अच्छा, हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मना किसी को नहीं करते थे वो। तो ये उसने कहा था, वो एक कोई खड़े थे जब हम वहां पर गए, कि भाई साहब वो मेरी पुस्तक समीक्षा का, अरे यार सॉरी वो कर नहीं पाए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो उनका एक इतनी विनम्रता थी, हर चीज को इतनी विनम्रता से वो पेश आते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इसका इसका एक, जैसे मैं पहले भी आपसे चर्चा करता रहा हूँ कि जिस परिवेश में वो पले बढ़े उस परिवेश का बहुत उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर था, जिस परिवार में जिस परिवेश में जिस गांव में जिन लोगों के बीच में वो पले बढ़े उसका बहुत गहरा असर उनके व्यक्तित्व में था, और उनकी कविताओं में जो संवेदनाएं थी, जो उभर करके संवेदनाएं आई, उस उन संवेदनाओं में भी उनका जो कवित्व है, उनकी जो ये चीजें हैं और वो झलकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति चाहे वो पत्रकार हो, राजनेता हो, नौकरशाह हो या दुकानदार हो, उसको सबसे पहले पहली सीढ़ी है कि उसको एक अच्छा इंसान
होना चाहिए। और मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल मंगलेश जी अच्छे कवि थे, एक सफल लेखक, सफल पत्रकार, सफल साहित्यकार, और जो भी उनके रूप थे उसकी बुनियादी सीढ़ी थी कि वो एक अच्छे इंसान थे, और उस जो इंसानियत थी और जो इंसान उनके भीतर था, उस इंसान ने उनको एक अच्छा संवेदनशील कवि बनाया। और दुनिया में मुझे लग रहा है कि बहुत कम मैंने भारतीय कवियों को और भारतीय साहित्य की जो पहुंच है, बहुत कम कवियों के बारे में देखा सुना कि जैसे मंगलेश जी की कविताएं ट्रांसलेशन हो रही हैं, मंगलेश जी बाहर की कविता को ट्रांसलेशन करके भारतीय पाठकों को परोस रहे हैं। ये एक किस्म से जुनून था उनके, जो दिलो दिमाग में एक जुनून था। और सबसे बड़ी चीज होती है कि समाज को बदलने का एक उत्कंठा शब्दों के जरिए। और मुझे लगता है कि मंगलेश जी ने अपनी कविताओं के जरिए, अपने लेखन के जरिए, अपनी संवेदनाओं के जरिए, अपनी इंसानियत के जरिए, अपने पत्रकारिता के दुर्लभ गुणों के जरिए, उन्होंने हमारे समाज में, हमारी पत्रकारिता में, हमारे लेखन में जो योगदान दिया है वो बहुत अमूल्य है, वो अब विस्मरणीय रहेगा। और उसकी जिसको कहते हैं कि भरपाई करना बहुत ही कठिन है, बिल्कुल उनके चला जाना, उनके हम लोगों के बीच से विदा हो जाना, और अपने लोगों के बीच में जैसे रविंद्र जी कह रहे हैं, मनोहर नायक जी, मैंने कुछ दिन पहले पिछले साल विजिट किया था उनके पास, आधा एक घंटा बैठा मैं नवंबर में, तो क्या कहते हैं, तो ये जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी बातें थी, जो सरलता थी, जो सादगी थी, वही सादगी किसी ना किसी रूप में झलकती थी, लेकिन भीतर से वो बड़ी, आपने भी पिछले दिनों जब हमसे चर्चा की थी कहा था कि आप भी बहुत अग्रेसिव रहते हैं और मंगलेश जी भी बहुत अग्रेसिव रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, मैंने किसी को बोला कि भाई ऐसा है कि ये मार्शल कौम है, तो वो मार्शल कौम जो है का एक, मार्शल कौम का एक गुण जो है ना, वो मंगलेश जी के भीतर उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था कि झुकना नहीं है, डरना नहीं है, और निडरता सा रहना है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है, समझौता नहीं करना है, और वसूलों से डिगना नहीं है। और ये वसूलों से डिगना नहीं, ये उनकी कविताओं में प्रस्फुटित होती है, उनकी कविताओं में परिलक्षित होती है, उनकी कविताओं में हमें उनकी व्यक्तित्व के, उनकी सादगी के, सरलता के दर्शन होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अरुण कमल जी, अब जो आपने वायदा किया है वो पूरा कीजिए कि उनकी यादें भी हमसे साझा कीजिए और उनकी कविताएं जो चाहे उनके अंदाज में हो या आपके अंदाज में हो कुछ हमसे साझा कीजिए। एक तो मंगलेश में प्रेम करने की अकूत क्षमता थी। वो अद्भुत तरीके से सबसे प्रेम कर सकते थे। प्रेम की ऐसी शक्ति, ऐसी दुर्निवार शक्ति कम लोगों में होती है। और मंगलेश के साथ रहने पर ये भरोसा होता था कि कुछ भी होने पर मंगलेश होंगे। ये एक अद्भुत बात थी। मैं बहुत बार उनके साथ रहा, उनके साथ कई बार कविताएं भी पढ़ी। आखिरी बार कलकत्ते में समझते 1-1.5 साल हो गया होगा, तुषार धवल और सोनेट मंडल का कार्यक्रम था, पोएट्री चेयर का, जिसमें कई भाषाओं के और दुनिया के दूसरे देशों के भी कवि थे। मंगलेश भी थे उसमें और वो सपरिवार आए थे, उनकी पत्नी भी थी और उनकी बेटी भी थी। और फिर हम लोग करीब 5-6 रोज एक साथ थे। मंगलेश के कविता पढ़ने का जो ढंग था, चूंकि वो थोड़ा हकलाते थे, लेकिन ऐसा प्रभाव पड़ता था। मंगलेश संगीत के भी बहुत प्रेमी थे और भीमसेन जोशी उनको बहुत प्रिय थे। क्या बात है, भीमसेन क्या बात है। जोशी के गायन के बारे में एक बार उन्होंने कहा कि जब भीमसेन जोशी गाना शुरू करते हैं तो सबको चुप कर देते हैं। मंगलेश के काव्य पाठ में भी एक खास बात थी। कई ऐसे कवि भी हमारे साथ होते थे जिनमें तालियां ज्यादा बज सकती थी, बजती भी थी होंगी, लेकिन मंगलेश जब पढ़ना शुरू करते थे तो सब खामोश हो जाते थे। और एक ऐसी नीरवता में, एक ऐसे दर्द के साथ वो कविताएं सुनी जाती थी। ये दुर्लभ पाठ था।
ऐसा पाठ बिल्कुल बहुत कम कवियों का होता है। जाहिर है वो केवल पाठ का तरीका नहीं था, उनकी कविता ही ऐसी है कि वो आपको अपने साथ अपने भंवर में खींचती है। उनकी कविता ऊपर से शांत लगती हुई भी बहुत भंवरों से भरी हुई कविता है। बिल्कुल और आप उनकी किसी भी कविता को लीजिए, जब मुझको ये खबर मिली कि कोरोना से वो ग्रस्त है, तो हठात उनकी एक कविता याद आई जो ऑक्सीजन की कमी पर है। मैं सोच नहीं सकता था कि ये कविता मंगलेश ने जो पहले बहुत पहले लिखी और अभी ये इस स्थिति में वो है। तो मंगलेश चूंकि जीवन को देखते थे, बदलते हुए समय को देखते थे, और जैसा मैंने कहा कि वो प्रेमी थे, गहरे तौर पर वो लोगों से प्रेम करते थे, और प्रेम की ऐसी अकूत शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, और ये प्रेम सभी स्तरों पर है। आप देखिए उनकी कविताओं को, चाहे वो गुणानंद पथिक हो या संगतकार हो या बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो उनके पात्र और चरित्र हैं कविताओं के, वे उन लोगों के कवि हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं आमतौर पर। मंगलेश ने हाशिए के लोगों के बारे में सोचा, और जैसा उमाकांत जी ने कहा, वो दार्शनिक भी थे, विचारक थे, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत ही प्रतिबद्ध कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। वो संघर्ष करते थे और संप्रदायवाद के विरोध में जितना वो बोले उतना हिंदी कवियों में कम लोग। बिल्कुल मंगलेश कभी चुप। मंगलेश ने हमेशा एक लड़ाई लड़ी। कविता पढ़ते हुए भी एक तो वो खुद अपने से भी उलझते थे, अपने से भी लड़ते थे, और ये लगता था कि ये कभी एक साथ कविता में, कविता पढ़ते हुए और कविता लिखते हुए भी वो एक साथ समाज से भी लड़ रहा है और अपने से भी लड़ रहा है। संभवतः WBX ने कहा या किसने कि जब हम समाज से लड़ते हैं तो राजनीति करते हैं, खुद से लड़ते हैं तो प्रेम करते हैं और कविता लिखते हैं। मंगलेश की कविता दोनों ही स्तरों पर लड़ती है, खुद से भी और समाज से भी, और इसी तरह वो एक साथ दर्पण भी है और दीप भी है। ये बहुत कम कवियों में होता है। मंगलेश को बहुत ध्यान से पढ़ने पर ही उनकी कविताओं के महत्व का पता चलता है। जैसे एक बहुत छोटी कविता जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका शीर्षक है प्रतिकार। जो कुछ भी था जहां तहां हर तरफ शोर की तरह लिखा हुआ, उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। मंगलेश ने शोर को संगीत में बदला, चाहे वो घटती हुई ऑक्सीजन हो, चाहे टेलीफोन पर बातचीत हो, ताकत की दुनिया हो। इस तरह की जो कविताएं मंगलेश ने लिखी भूलने के विरुद्ध इन सर्दियों में, शहर फिर से, ये कविताएं लोगों की जिह्वा पर हैं। और मंगलेश ने भाषा को नए तरीके से बरता। मुझको लगता है कई बार कि शमशेर के बाद हिंदी भाषा को, खड़ी बोली को ऐसी नमनीयता, और शमशेर का एक शब्द लेके कहें तो इतना खफीफ, इतना महीन, जैसे वो जो कागज होता है जिसकी पतंगे बनती हैं। अच्छा, मंगलेश के जो सबसे घनिष्ठ मित्र रहे, वो एक तो हमारे ही शहर में हैं, आलोक धनवा जी, जो जिनको मंगलेश बहुत प्यार करते हैं, आलोक भी बहुत प्यार करते हैं, मंगलेश ने अपनी किताब भी उनको समर्पित की, और वीरेन डंगवाल, असद जैदी, ये उनके सबसे करीब दोस्त कवि भी रहे। तो आलोक धनवा की कविता पतंग में एक आता है कि दुनिया की सबसे महीन कागज से जो बनती हैं पतंगे, मंगलेश की कविता भी दुनिया की सबसे महीन कागज पर लिखी गई, एक जल की रोशनाई से लिखी गई कविताएं हैं। जैसे कि नोट पर वो जल चिन्ह होता है जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई स्याही उसमें नहीं लगती, आप उसे छू भी नहीं सकते, वो बस है,
मंगलेश की कविताओं में ऐसी बारीकी और साथ साथ सांद्रता है, लेकिन मंगलेश बहुत ही गहरे राजनीतिक कवि हैं। ऐसी प्रतिबद्धता, प्रतिरोध का इतना भारी स्वर, जो मंगलेश ने जैसे कुछ भी जीवन में नहीं किया, वो लगातार संघर्ष करते रहे। उनका निजी जीवन भी लगातार संघर्षों का रहा। और कभी कभी मुझको लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने लिए कुछ नहीं चाहते। अब एक कविता उनकी है कि मैं क्या करूंगा इतने जूते मोजे और कमीजें लेकर, एक जो मेरे पास है उसी को तो ठीक से नहीं रख पाता हूँ। ये एक अद्भुत कविता है। आप सोचिए तो मंगलेश का जीवन भी वैसे ही रहा। कई बार लोग कहते हैं कि जीवन और कविता को मिला के नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी दूसरा समय है, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपका जो जीवन होता है कविताएं वैसे ही होंगी। बिल्कुल। तो मंगलेश ने ये सब किया। मंगलेश ने बहुत यात्राएं की, और मंगलेश की एक खास बात जिसको याद करते हुए मुझको बस इस दुख में भी एक हंसी जैसा लगता है। मंगलेश जब शाम को हम लोग एक साथ होते थे और कमरे में बैठते थे, तो फिर वो बिना गाए नहीं रहते थे। मंगलेश को संगीत बहुत प्रिय था, जो उनकी कविता में भी कभी अंत की भी अंतर्वस्तु संगीत है। बिना संगीत के उनकी कविताओं का अध्ययन नहीं हो सकता, और बहुत तरह की लयें हैं उनके यहाँ जो ऊपर से पता नहीं चलता। जी बिल्कुल। मंगलेश के साथ जो मैं चंडीगढ़ में पहली बार मिला, और रात को हम लोग चंडीगढ़ के पुराने पुलों पर शहर के बाहर जब घूमते थे रात में, कई भाषाओं के कवि थे, पंजाबी के अमरजीत चंदन भी थे, तो वो बिना गाए नहीं रहते। जब मैं खंडवा गया और किशोर कुमार का घर देखने गया, देख के लौट रहा था तो प्रताप राव कदम ने बताया कि पिछले साल मंगलेश जी आए थे, वो भी देखने गए थे, और जब तक वो खंडवा में रहे उन्होंने कहा कि मैं केवल किशोर कुमार के गीत गाऊंगा, और हर शाम रात वो किशोर कुमार के गीत गाते रहे। शास्त्रीय संगीत का ऐसा गहरा अध्ययन और ऐसी समझ, ऐसा स्वाद बहुत कम लोगों में है। मंगलेश ऐसे थे, उनमें ये सारी विधाएं, सारी कलाएं मिलती थी। अब एक और निजी बात मैं बता दूं कि आप सब पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, मैं पत्रकार तो हूं नहीं, लेकिन एक बार एक आपको याद होगा कि असम और बिहार के लोगों को लेकर कुछ हिंसा हुई थी असम में भी। मंगलेश ने मुझको फोन किया कि अरुण तुम तो ऐसे लिखते नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ। उस समय वो संभवतः राष्ट्रीय सहारा या एक जो निकलता था राष्ट्रीय सहारा का ही सहारा समय कुछ इस तरह, सहारा समय, तो सहारा समय, हाँ सहारा समय, हाँ सहारा समय, ठीक। तुमको इस पर कुछ कहना चाहिए, तुम वहाँ के हो, तुमको कुछ कहना चाहिए और तुरंत कहना चाहिए। और उसके कहने से मैंने एक लंबा लेख लिखा, वो पत्रकारिता का की एक शुरुआत ही थी मेरी। और जब वो छप के आया तो जैसा अभी रविंद्र जी ने और उमाकांत जी ने और आपने भी बताया और भारतीय जी, कि उसने शीर्षक लगाया था, और ये उसका लगाया हुआ था, बिहार एक शोक का नाम है। क्या बात। उस लेख को बहुत लोगों ने देखा, पढ़ा, और मैं मंगलेश के प्रति अनुग्रहित हुआ। मंगलेश ने हमेशा, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ा, मैं उन्हीं के कार्यक्रम में गया था, रघुवीर सहाय की स्मृति में कार्यक्रम था, सब लोग थे, प्रयाग जी थे, असद थे, मंगलेश सब थे, विश्वनाथ त्रिपाठी थे, और मैं बहुत बीमार पड़ा, यही ठंड लग गई थी, और मंगलेश ने जो मेरी बीमारदारी की, और रात में देर तक रहते हुए फिर जब वो चलते थे कान में कह के जाते थे, अरुण तुम बिल्कुल ठीक हो, इतने आहिस्ते बोलते थे और इतने प्यार से बोलते थे कि अभी भी वो ऊष्मा और वो सर्द स्वर अभी भी मेरे कानों में गूंजता है। मंगलेश का जाना एक निजी क्षति। बिल्कुल बिल्कुल।
हम सबकी क्षति है। मैं चाहता था कि असद जैदी आए, उन्होंने फोन नहीं उठाया आज। राजेश जोशी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं तीन लोगों को सुनना चाहता हूं अगर कभी मौका मिला तो। और मुझे पता चला कि वो लोग मंगलेश जी को याद कर रहे हैं, जिसमें लीलाधर जगूड़ी जी, मनोहर नायक शामिल हैं और आलोक दोस्त हैं। आलोक को मैं फोन करूंगा, आलोक को मैं बात करना भूल गया। रविन जी, आपसे मैं अब आखिर में ये, मैं एक तो पूरा विश्लेषण चाहूंगा मंगलेश जी का, और ये जानना चाहूंगा कि उन्हें इतिहास कैसे याद करेगा, नंबर एक। पर उसके पहले आप हम सबको ये जानकारी दीजिए कि उन्हें ये कोरोना कैसे हुआ, कुछ अगर अंदाज हो आपको तो। देखिए, आखिरी जो आपकी बात है कोरोना कैसे हुआ, ये तो बड़ा किसी के लिए भी मुश्किल है किसी के बारे में कहना। तो कोरोना तो मुख्य रूप से जनसंपर्क की वजह से होता है। अब स्थिति यह है कि शुरू में लंबे समय तक तो हमारी सोसाइटी में भी, जनता सोसाइटी में भी, जो काम वाली बाइयाँ होती हैं, जो काम करती हैं, उनका प्रवेश निषिद्ध किया गया था, लेकिन वो बाद में चालू हो गया। और अब उनको किससे संपर्क हुआ, कहाँ मिला, ये निश्चित रूप से तो कहना बड़ा कठिन है, वो जी मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति रहा, कोई ऐसा उनका इंटरेक्शन हुआ। हालांकि वो बाहर बहुत कम निकलते थे, यदाकदा ही निकलते थे, लेकिन आज के जाते हैं आप कोरोना, आप रेलिंग पर, आप निकल अगर उतरते समय रेलिंग पर अगर आपका हाथ चला गया है और वहां कोरोना है, तो वहां भी हो सकता है। या बिल्कुल आप अपनी सोसाइटी में किसी बेंच पर बैठ गए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, तो। और मेरी सोसाइटी में तो अभी भी लगभग कई लोग कोरोना संक्रमित हैं, और 13-14 परिवार कोरोना संक्रमित हो गए। एक कैसे मेरी जो 110 लोग यहाँ रहते हैं, उसमें 13-14 परिवार कोरोना संक्रमित हो गए। ये तो जिसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हुआ संपर्क, या रेलिंग पर चलते हुआ कुछ उन्होंने हाथ रखा, या कभी कभी वो बाहर निकलते भी। आजकल वो आप दवा की दुकान पर जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, वहां भी हो सकता है। तो बिल्कुल दवा में उनका खरीदने जाते थे, पीछे ही था, हालांकि वो 100 कदम की दूरी पर। कैसे हो गया कहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल आपने है जो बिल्कुल। इससे पहले कहा कि मंगलेश जी को कैसे याद करेगा, इसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहूं, जो अरुण कमल जी के बातचीत से भी थोड़ी सी प्रसंग जिसका है। तो जी शमशेर की जी का उल्लेख किया, और बहुत ही सहज रूप से मुझे सही लगा कि उन्होंने शमशेर, कुछ कुछ उनका व्यक्तित्व तो शमशेर बहादुर सिंह से मिलता था, पर यहाँ जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो प्रासंगिक यह है कि वो शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी लिखने जा रहे थे रजा फाउंडेशन के लिए। ये जीवनी उनकी लगभग अधूरी सी पड़ी है, कुछ अंश उन्होंने मुझे लिखे हुए सुनाए भी थे। और अब मुझे लगता है कि शमशेर की एक मुकम्मल जीवनी, मतलब शमशेर का जीवन तो जो उनकी कविता है, और जिसका हल्का सा एक छोटा सा अंश अभी अरुण कमल जी ने पढ़ा, टूटी हुई बिखरी हुई रही है, उस टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी को या जिंदगी को समझने का एक बड़ा अवसर हाथ आता है ये मंगलेश डबराल की वो जीवनी आ जाती। तो वह हिंदी का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जीवनी नहीं आ पाई। उनकी कई एक कविताएं, कुछ किताबें आने वाली हैं, पाइपलाइन में है, कोरोना की वजह से नहीं आई हैं। एक उपन्यासकार हैं विजय सिंह, जो फ्रांस में रहते हैं, उनके एक पूरे उपन्यास का अनुवाद उन्होंने हुआ है, जो राजकमल इसलिए नहीं छाप पा रहा है कि कोरोना में अभी डिस्ट्रीब्यूशन किताबों का रुक गया है। फिर उन्होंने के जी सुब्रमण्यम की जो आलोचनात्मक लेख हैं, कला परोसप्रिय किताब उन्होंने तैयार की है, जो साइकिल नाम की पत्रिका है मध्य प्रदेश की, वो निकालती है। अब रही बात इतिहास कैसे याद करेगा, तो ये तो देखिए एक बड़ा, ये भी बड़ा निश्चित रूप से कहना कठिन हो जाता है, हम अनुमान कर सकते हैं, पर एक विलक्षण कवि के रूप में, एक अद्भुत गद्यकार के रूप में, एक विरल पत्रकार के रूप में, और एक उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक के रूप में, कम से कम एक चार ऐसे उनके कृति व्यक्तित्व के पहलू हैं जिनमें मुझे लगता है कि मंगलेश जी को याद किया जाएगा। और जैसा कि अभी अरुण जी ने भी कहा और लखेड़ा जी ने भी कहा, उसको मैं थोड़ा बदल करके शब्द कहूं, तो समकालीन हिंदी में मंगलेश जी ऐसे कवि हैं जिनकी एक वैश्विक उपस्थिति बन गई थी।
उनकी कविताओं के अनुवाद दुनिया की इतनी भाषाओं में अभी हुए हैं जितना हिंदी के मुझे मालूम नहीं है, मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूं, पर जहां तक मेरी जानकारी है उनकी कवि उतने किसी और समकालीन हिंदी कवि के दूसरी भाषाओं में नहीं हुए हैं। कई उनकी अनुवाद की पुस्तकें अंग्रेजी अनुवाद की तो आई गई हैं, अरबी में लगभग 4-5 महीना पहले एक फिलिस्तीन के एक पत्रिका है, वहां के एक कवि ने उनकी 10-12 कविताओं का अरबी में अनुवाद किया है, और अभी कुछ दिन पहले जो मकदूनिया है यानी मैसेडोनिया जिसको कहते हैं हिंदी में मकदूनिया कहेंगे, वहां अस्त्रुगा में एक काव्य समारोह था जो हर साल होता है, वहां कई कवि जा चुके हैं, अगेज भी गए थे वहां, अगे ने भी वहां काव्य पाठ किया था। अभी वहां कोरोना काल में एक सत्र में वो 3 दिनों का काव्य हुआ था, वहां मंगलेश जी की कविताएं वीडियो पर सुनाई गई लोगों को, वीडियो भी हमारे यहाँ के जनसत्ता के ही एक पत्रकार और संस्कृति कर्मी संजय जोशी ने तैयार किया था। तो वो अभी हाल हाल तक जो हम कहें कि जो कविताएं उनकी सुनाई गई वहां, वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में सब में कई भाषाओं में उनकी कविताओं के इतने अनुवाद हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर उनका संकलन निकाला जाए जो है, अच्छा भारतीय भाषाओं में पंजाबी में तो उनके एक ही संग्रह के दो दो अनुवाद हो गए, मराठी में वो हिंदी के समकालीन हिंदी में सबसे ज्यादा अनुवादित होने वाले कवि थे, असमिया में, मलयालम में, और जैसा कि अभी बताया अभी अरुण कमल जी ने, संगीत तो उनकी कविता की एक केंद्रीय अनुभूति थी। तो हिंदी कविता में जब भी संगीत को लेकर के कुछ कविताएं, महान कविताएं याद की जाएंगी तो उसमें मंगलेश देवराल की कई कविताएं, संगतकार, गुरानंद पथिक, केशव अनुरागी, और बल्कि उनकी हर कविता में संगीत है। ये तो मैं उन कविताओं के नाम बता रहा हूं जिनमें संगीत की प्रत्यक्ष मौजूदगी है। शायद उनकी हर कविता में, हर गद्य में, हर आलोचनात्मक लेख में भी संगीत मौजूद है, क्योंकि संगीत क्या है, दरअसल एक सुरों का, सुर का और एक आवाज का संधान ही तो है, वो भी एक क्लासिकल म्यूजिक तो उनका प्रिय था ही। भीमसेन जोशी का नाम लिया उन्होंने, एक और संगीतकार आमिर खान साहब, आमिर खान साहब भी के बड़े प्रिय संगीतकार, और हर बातचीत में जो हमारे यहाँ ऊपर होती थी कहीं ना कहीं अक्सर किसी न किसी समय वो आमिर खान का नाम आ ही जाता था, फिर लगा देते हैं कि आमिर खान की ये चीज। त्रिपाठी जी आमिर खान साहब जो ये था कि वो तो वो उनकी केंद्रीय उपस्थिति उनकी कविता में, उनके गद्य में, उनके आलोचनात्मक लेख में और उनके व्यक्तित्व में, आमिर खान साहब, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व और समकालीन कई जो संगीतकार हैं उनकी भी उनकी उपस्थिति है। मुझे लगता है कि ऐसे पहलू हैं मंगलेश जी के कविता के, कृति व्यक्तित्व के, उनके लेखन के, जो हमेशा याद रखे जाएंगे, और आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि उनकी काव्य प्रतिभा की जो चमक है वो और विस्तीर्ण होगी, न सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज ही असद जैदी ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने अमरस्टेडम के कवि जो है, नीदरलैंड के कवि, उन्होंने जो संदेश दिया है मंगलेश जी के नेतृत्व पर, उससे भी ये बात प्रमाणित होती है। मुझे लगता है कि ये ऐसे 4-5 इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में मैं अभी कह सकता हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें मेरी छूट भी गई होंगी, पत्रकारिता वाला भी हिस्सा है। मुझे लगता है कि जब उनकी कोई जीवनी लिखी जाएगी, हालांकि हिंदी में जीवनियों का दुर्लभ अकाल है, तो ये सब सारी चीजें और उद्घाटित होंगी। बिल्कुल मकान जी, आपसे भी यही सवाल है कि इतिहास में कैसा स्थान मिलेगा मंगलेश जी को? देखिए, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो मैंने करीब से मंगलेश जी को देखा, उनको व्यक्तित्व को, उनके साथ लगातार कई बार कई बैठकें होती थी, कई बार मिले, कई बार साल भर का भी गैप हो जाता था कि कोई संवाद उनसे नहीं हुआ, लेकिन यदा कदा फोन पर, मेरा फोन चूंकि फीड था तो वो जैसे मैंने फोन करता था सीधा बोलते कहो मकान जी क्या हो रहा है, तो इस तरह की चीजें होती थी। और मैं जो निकाल पाया पिछले 3-4 दिन से, जब से वो अस्वस्थ थे, उनकी बिटिया से फोन पर मेरी बात हुई, आज भी मैं 4-5 घंटे परिवार के साथ रहा,
घाट पर, शमशान घाट पर, निगम लोधी कॉलोनी के। तो मैं ये मानता हूं कि जब तक, देखिए, हमारे जो समाज में जब तक ये उथल पुथल रहेगी, गैर बराबरी रहेगी, और इंसानियत को इंसानियत से डर रहेगा, और प्रकृति को के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उन पर कुठाराघात होगा, गरीब के हक को मारा जाएगा, और जब एक ऐसी जब तक ऐसी व्यवस्था हमारे चारों तरफ रहेगी जिसमें गरीब के लिए, असहाय के लिए, कमजोर के लिए, निर्बल व्यक्ति के लिए स्पेस, स्थान संकुचित होता चला जाएगा, तब तब मंगलेश जी इस हमारे साहित्य के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में, और हमारे जो जो भी ताना बाना हमारे समाज का है, उस ताना बाना के इतिहास में वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे और वो प्रासंगिक बने रहेंगे। और दूसरा ये था कि जो उनकी जो बहुत सारी चीजें कि उनको किस रूप में, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि किस रूप में याद किया जाएगा, उनके उनकी एक कविता है राग दुर्गा, जो भीमसेन जोशी के राग पर आधारित है, कि उसका एक लाइन मैं उसके साथ समापन करूंगा अपनी बात का, कि एक रास्ता उस सभ्यता तक जाता था, जगह जगह चमकते दिखते थे उसके पत्थर, जंगल में घास काटती स्त्रियों के गीत पानी की तरह बहकर आ रहे थे। ये जो वेदना है उनकी, ये पहाड़ पर्वतीय वेदना, पहाड़ों की वेदना की घास काट करके स्त्रियां गा रही हैं, तो बहकर किसी चट्टान के नीचे बैठी चिड़िया अचानक अपनी आवाज से चौंका जाती थी, दूर कोई लड़का बांसुरी पर बजाता था वैसे ही स्वर, एक पेड़ कोने में सिहरता खड़ा था, कमरे में थे मेरे पिता, अपनी युवावस्था में गाते सखी मोरी रूम झूम, कहते हैं कहते इसे गाने से जल्दी बढ़ती है घास। तो ये देखिए ना कि संस्कृति सांस्कृतिक पुट है, प्रकृति का पुट है, परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, पारिवारिक संस्कार है, पिता और स्त्रियां, उनका घास काटती स्त्रियां, ये जो गागर में सागर भरने की जो अद्भुत जो जो क्षमता थी, ये क्षमता बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही जिसको कहते हैं रियर, जिसको कह सकते हैं, ऐसे लोग सब शब्दावली में इस तरह से परोसने वाले और गूंथने वाले, ऐसा जो मनीषी हमारे बीच में नहीं है। और उनकी दूसरा उनका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में आने वाले जो वक्त होगा, मुझे लग रहा है कि जरूर उस पर शोध होंगे, उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने सोचा, और जो उनका अधूरा काम है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो अधूरा काम है, जो उनका दर्शन है और जो अधूरा काम है, आने वाले वक्त में जरूर कुछ ऐसे हम लोगों के बीच में पैदा होंगे। मैं तो कवि नहीं हूं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो कविता के बारे में सोचते हैं वो उन बातों को, उन संवेदनाओं को आगे बढ़ाएंगे, एक निर्णायक मुकाम तक ले जाएंगे, जिससे जो विरासत है, जो परंपरा है, और जो लकीर खींची है, खींच कर गए हैं मंगलेश जी, वो लकीर आगे बढ़ेगी, उसकी आगे भी बड़ी लकीर खींचेगा कोई। और इसीलिए अगर मुझे लग रहा है कि मंगलेश जी की आत्मा को और शांति मिलेगी अगर उनका जो दर्शन है, उनकी जो कविता है, कविता की जो लौ है, उस लौ को, उस जिसको कहते हैं उस बयार को, कविताओं की उस बयार को अगर कोई नई जनरेशन अगर आगे बढ़ाई, तो इससे उनकी आत्मा को ही बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा संतोष मिलेगा, और हम सब लोग जो इस इन क्षणों में दुखी हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई मौका आएगा, कि हम सोचते थे कि इतना लंबा जीवन उनके साथ हम लोगों को बिताने को मिलेगा, लेकिन हम वो असमय वक्त से पहले हमारे बीच पे चले गए। मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ उनके प्रति, और आपको खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत गहराई से आपको धन्यवाद।
कि आपने फोन किया दोपहर में और आपने चर्चा की और आपने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो बातें हैं, विमर्श है, उनकी कविताओं पर हम विमर्श जारी रखें, उनके जो चाहने वाले हैं उन लोगों से लगातार, मुझे लग रहा है कि मुझे तो 1% भी नहीं जानता उनकी कविताओं के बारे में, लेकिन जो उनके साथ रहे हैं, उनकी कविताओं को उन्होंने पढ़ा है, जिया है, वो सब लोगों से चर्चा लगातार होती रहे, ऐसी मेरी कामना है आपसे। अरुण कमल जी, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप मित्र हैं और आप हैं, मनोहर नायक हैं या असद भाई हैं, जितने भी लोग हैं, राजेश जी हैं, आलोक हैं, मैं मानता हूं कि इन सबका दुख आपके भीतर उतरा हुआ है, पर फिर भी अगर दो शब्द कहें कि इतिहास किस तरीके से याद करेगा मंगलेश जी को, तो हम लोग आपके अनुग्रह में शुक्रगुजार होंगे। जैसे मंगलेश की एक बहुत मशहूर कविता है, ये नंबर मौजूद नहीं। मंगलेश की कविता के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मंगलेश की कविता का नंबर वो नंबर है जो हमेशा मौजूद है। क्या दुनिया के किसी भी कोने से आप जब चाहें मंगलेश की कविता के नंबर पर डायल कर सकते हैं और उसके दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंचेगी। दिस नंबर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, मंगलेश द पोएट। क्या बात, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं त्रिपाठी जी कि जिस व्यक्ति से आपका खून का रिश्ता न हो, जिस व्यक्ति को आप जानते हो लेकिन उसकी महत्ता से परिचित न हो, और वो व्यक्ति अचानक आपके बीच से चला जाए और हर आदमी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करे, ऐसा व्यक्ति महामानव होता है। तो मंगलेश जी हमारे बीच में मानव तो थे पर उस श्रेणी को पार कर महामानव की श्रेणी में पहुंच गए थे, ये आज लगता है। तो मैं आप तीनों मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि हमने मंगलेश जी को याद किया, और आप में से अगर कोई आलोक धनवा या मनोहर नायक या लीलाधर जगूड़ी की खबर आपके पास है तो मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि मुझे ये खबर जरूर दें कि वो लोग कहीं पर उनको याद कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सुनना चाहूंगा। अरुण कमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र भाई, आपने लगातार ध्यान रखा और मंगलेश जी के बारे में हम लोगों को जानकारी दी, और उमाकांत जी आप तो बिल्कुल उस गाँव के, उस इलाके के, उस जगह के हैं, आपका खालीपन मैं समझ सकता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में मंगलेश जी आप हमारे बीच ही रहेंगे और हमेशा याद आएंगे। नमस्कार।